फ्रेंड्स, मैं हूं हितेश डॉक्टर ट्रायकोर से, और मैं आज आपको कैसे आप अपना एंड्रॉयड स्मार्टफोन फास्ट और लैग फ्री चला सकते हैं बिना किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करे वो सिखाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने फ़ोन के डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में जाइए और उसके एंड में आपको डेवलपर ऑप्शन मिलेगा जो कि सभी स्मार्टफोन्स के अंदर अवेलेबल होता है। अगर आपके फ़ोन के अंदर ये नहीं शो हो रहा है तो डरने की बात नहीं है। उसके नीचे वाले ऑप्शन अबाउट फ़ोन के अंदर जाइए और उसके एंड में आपको बिल्ड नंबर मिलेगा, उसको आप 5 to 6 टाइम प्रेस कीजिए तो आपका डेवलपर ऑप्शन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप बैक जाइए, हम डेवलपर ऑप्शन को ओपन करेंगे। इसके अंदर हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक है विंडो एलिमिनेशन स्केल, ट्रांजिशन एलिमिनेशन स्केल, एलिमेंट्री ड्यूरेशन स्केल। ये सभी एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही 1x पर सिलेक्ट हुआ होता है। आप इसको अगर ओपन करते हैं, अगर आप इसको 10x पर सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट वाले को, तो देखिए आपका फ़ोन कितना स्लो हो जाएगा। ये देखिए कितना स्लो ओपन हो रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कितना स्लो ओपन हो रहा है। और अगर आप इसको 0.5x पे करते हैं या ऑफ़ करते हैं, मैं तो आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप उसको 0.5x पे ही रखिए। ये देखिए अगर आप उसको 0.5x पे कर दिया हमने, अब देखिए इसको ओपन करेंगे तो आप देखिए कितना फास्ट ओपन हो रहा है सब कुछ। ये देखिए अब आप देख सकते हैं, आप सभी तीनों को 0.5x पे कर दीजिए। आपने तीनों को 0.5x पे कर दिया है और इसके एंड में ये सब के बाद आप नीचे जाइए, एंड में आपको ऑप्शन मिलेगा डोंट कीप एक्टिव्स। इसका मतलब है अगर कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं और उसको आप यूज़ करना बंद कर देंगे तो वो अपने ऑटोमेटिकली आपकी ऐप बंद हो जाएगी बैकग्राउंड से, जो कि अच्छा फंक्शन है। मगर इसका नुकसान एक ये है कि जैसे अगर आप फेसबुक या व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो उसके आपको नोटिफिकेशन आना बंद हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप इसको ऑफ ही रखिए। और अगला ऑप्शन है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। इसका मतलब है कि आप बैकग्राउंड में कितने एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं उसको आप सेट कर सकते हैं। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन आएगा स्टैंडर्ड लिमिट। स्टैंडर्ड लिमिट का मतलब होता है कि आप अनलिमिटेड ऐप्स बैकग्राउंड में चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं उनको। और नो बैकग्राउंड प्रोसेस का मतलब होता है एट अ टाइम आप एक ही एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। और मैक्सिमम 1 प्रोसेस का मतलब है एक एप्लीकेशन की बैकग्राउंड में चलती रहेगी और एक एप्लीकेशन आप लाइव यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद है मैक्सिमम 2 प्रोसेस, इसका मतलब है 2 एप्लीकेशन आपकी बैकग्राउंड में चलेंगी और एक एप्लीकेशन आप लाइव यूज़ कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन है मैक्सिमम 3 प्रोसेस, इसका मतलब है 3 एप्लीकेशन आप बैकग्राउंड में चलती रहेंगी आपकी और एक एप्लीकेशन आप लाइव यूज़ कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन है मैक्सिमम 4 प्रोसेस, इसका मतलब है 4 एप्लीकेशन आपकी बैकग्राउंड में चलेंगी और एक एप्लीकेशन आप लाइव यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा जैसे कि आप इसमें से अगर आपका फ़ोन अच्छा है, हाई रैम वाला है, हाई कोर वाला है, तो आप इसको स्टैंडर्ड लिमिट में रहने दीजिए। और अगर आपका फ़ोन हल्का है, मतलब रैम कम है, ड्यूल कोर है, मतलब सिंपल फ़ोन में, तो आप इसको 3 या 4 प्रोसेस में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। नो बैकग्राउंड प्रोसेस और 1 प्रोसेस में आपको सिलेक्ट ना कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कीजिए। और फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ प्रेस द रेड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।